क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक माँ ने अपने 84 दिन के बच्चे को महज 5 लाख रुपए के लिए दलाल के हाथों बेचने की कोशिश की, मगर थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने 84 दिन के बच्चे को मुमरा से बचा लिया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। आपको बता दें कि थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जानकारी मिली थी कि 84 दिन के बच्चे की तस्करी होने वाली है और डुप्लीकेट ग्राहक बनकर बच्चे की 5 लाख में समझौता पर आरोपियों को मुमरा के रेती बंदर से गिरफ्तार किया गया है। नासिक की रहने वाली बच्चे की मां शालू कैफ शेख अपने 84 दिन के बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचने का फैसला लिया। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए शालू कैफ शेख ने अपने 84 दिन के मासूम बच्चे को मुमरा में बेचने का फैसला किया था। थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने मुमरा की रेती बंदर परिसर में जाल बिछाकर 84 दिन के बच्चे को बचाया। कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनमें एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। ये गिरोह पहले अपने आसपास के ज़रूरतमंद माता पिता को मोटी रकम पर बच्चे खरीदने वाले की डिटेल्स निकालते और उन्हें संपर्क कर बच्चा बेचा करते थे। थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा मुमरा पुलिस थाने में IPC की धारा 370, 34 बाल संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 81 और 87 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा 84 दिन के बच्चे की तस्करी में गिरफ्तार आरोपी के नाम है शालू कैफ शेख, 25 साल, नासिक की रहने वाली है। ट्रांसजेंडर राजू मनोहर वाघमारे, उम्र 30 साल है। और मुमरा से जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है साहिल उर्फ सद्दाम हुसैन, 32 साल, साहिदा रफीक शेख, उम्र 40 साल, खतीजा सद्दाम हुसैन, उम्र 27 साल, प्रताप किशोर लाल केशवानी, उम्र 23 साल, मोना सुनील खेमानी, उम्र 30 साल, सुनीता सरजे राव बैसानी, उम्र 35 साल। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है बच्चों के तस्करी के मामले में। पराग मनेरा, पुलिस उपायुक्त थाने क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। ये जो है थाना पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की हुई है। एसटीसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई टीम सक्रिय है यहाँ पे उनके एरिया में, जो छोटे बच्चों की जो है ये खरीद बिक्री का काम करते। तो ये इन्वेस्टिगेशन में एक बनावट ग्राहक जो है ये बना के उसको भेजा गया और वो जब सामने वाले लोग बच्चा बेचने के लिए उनके पास आए तो ट्रैप करके उनको पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन में गुनाह दाखिल किया गया और अभी तक 9 आरोपी जो है ये इसमें संदिग्ध आरोपी जो है अरेस्ट किए गए। मुख्य आरोपी कौन है? ये जो बच्चा जो है जो हमने ताबे में लिया हुआ है उसकी माँ को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। ये माँ ने जो है विलिंगली अपना बच्चा जो है ना बाहर बेच दिया था पैसे के लिए। ये बच्चों के ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए और इस तरीके की खरीदने बिक्री के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये जो है कायदे से गैर कानूनी है और ये दंडनीय अपराध है।